बीटरूट यानी कि चुकंदर बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाना, खास करके बच्चों को। इसलिए आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और इसे बच्चे भी खाने से मना नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी बीटरूट का पराठा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भानस बात। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है बीटरूट, ये आपको तीन दिख रहा होगा लेकिन इसमें से हम एक का ही पराठा बनाने वाले हैं। बीटरूट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है। इसे खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है और चेहरे पर भी ग्लो आता है। तो एक चुकंदर को यहाँ पर हम छील लेंगे और अब इसे धो लेंगे। और ये जो छिलका आप देख रहे हैं इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर लगाने के लिए। और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर इसे घसेंगे नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक जार लेना है और इसमें जो हमने काटा हुआ है चुकंदर उसे डाल देना है। साथ में ही लेना है 6 से 7 कली लहसुन का, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, और इसे हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब हमें एक परात लेना है जिसमें हम आटा गूंथेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक परात लिया है। अब हमने जो चुकंदर को पीसा है उसे हमें इसमें डाल देना है और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से पराठे में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, स्वादानुसार नमक और 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, और इसके बाद हम थोड़ा सा कटा हुआ इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें आटा डाल करके इसे गूंथना है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आटा गीला हो रहा है तो आप क्या करना कि इसमें थोड़ा सा सूखा और आटा मिला देना और फिर इसका डो तैयार कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लगे कि डो गीला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके इसे आप गूंथ सकते हैं। तो ये बीटरूट जो बचा हुआ था उसी में मैंने पानी मिला करके इसमें डाला है और आटा को गूंथा है। तो आटा हमारा तो तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा करके 1-2 मिनट और इसे नीट करेंगे। अब इसे हम ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तो 15 मिनट इसे रेस्ट करके हो गया है। अब हम इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसकी लोई हम तैयार करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 6 लोई बन करके तैयार हुआ है। अब हमने जो भी लोई तैयार किया हुआ है उसे हम पेड़े का शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये भी अब हो गया है। अब हम पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर लोई लिया है और इसके ऊपर हम हल्का सा सूखा आटा लगा लेंगे। अगर आपको सूखा आटा नहीं लगाना है तो आप इस पर हल्का सा तेल लगा करके इसे आप बेल सकते हैं। तो बस इसे आपको जितना पतला बेलना हो या फिर मोटा बेलना हो वो आपके ऊपर है, उस तरह से आप बेल लीजिए राउंड शेप में। बहुत ज़्यादा मोटा मत बेल देना वरना वो कच्चा जैसा लगता है, फिर उसको पकाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। चुकंदर को पीसते टाइम 1-2 छोटा सा टुकड़ा रह जाता है तो वो बेलते टाइम परेशानी आती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जब आप चुकंदर को पीसते हो तो अच्छी तरह से पीसना। तो ये पराठा तो हो गया है तैयार, एक और मैं आपको बेल करके बता दे रही हूँ, फिर हम इसे सेकेंगे। अगर आपको बेलने नहीं आता है गोल शेप में, गोल बनाना नहीं आ रहा है, तो कैसे भी आप पहले बेल लो और फिर इस तरह से कोई भी प्लेट लेना है और इसे लेकर के गोल शेप में काट लेना है। बहुत ही आसान है, एक ही शेप में सारे पराठे बनेंगे आपके। तो अगर आपको बेलना नहीं आता है तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तावा को 5 मिनट पहले ही हीट होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर अब हल्का सा तेल लगाएंगे, आप घी भी लगा सकते हैं, और फिर हम अब पराठे को सेकेंगे। तो एक पराठा यहाँ पर मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर। कुछ सेकेंड के बाद हमें पराठे को पलट लेना है और अब पराठे के ऊपर हमें तेल लगा लेना है और इस तरह पराठे को प्रेस करते हुए घुमाते हुए चारों साइड अच्छी तरह से सेकना है। फिर से हम पराठे को पलट देंगे दूसरी साइड और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से हम सेक लेंगे।
अब आप देखेंगे कि पराठे पर ना ब्राउन स्पॉट दिखाई देंगे, तो इसका ये मतलब है कि आपका पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और बस इसी तरह से हमें एक एक करके सारे पराठे को सेक लेना है। और इसे आप गर्मा गर्म वाइट मक्खन के साथ खा सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं, और साथ में अचार या फिर रायता के साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है पराठे का सर्व करने के लिए। तो चुकंदर का जो पराठा है बहुत ही हेल्दी है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पता ही नहीं चलेगा कि ये बीट रूट का पराठा है। हाँ, कलर से आपको शायद पता चल जाए लेकिन स्वाद से बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये चुकंदर का पराठा है। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, आपके घर में ऑफिस जाते हैं तो उन्हें भी आप टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा सबके साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।